thank you हे गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन सो गाइस आपको पता चल ही गया होगा गौरी से और बैकग्राउंड से कि मैं कहाँ पर हूँ मैं हूँ अपने ससुराल में एक्चुअली आप सभी को पता है अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप सभी को पता है कि मेरे ससुराल में गौरी बिठाई जाती है जिन्हें हम लोग महालक्ष्मी भी बोलते हैं तो यहाँ पर महालक्ष्मी के भोग की तैयारी चल रही है जो हम लोग ही बनाते हैं मतलब घर की बह ही बनाती है और जो बाकी का खाना है वो बाकी के लोग बना सकते हैं बट जो महालक्ष्मी का भोग है वो जो गिन के होता है वो बहुत ही बना सकती है घर की तो इसी वजह से हम लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं उसके लिए और सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं मतलब भोग की तैयारी करते हैं तो बस यही हो रहा है यहाँ पर और हाँ इंस्टा पे मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि गणपति का ब्लॉग नहीं आया इस बार आपका मतलब जो गणपति बिठाने का ब्लॉग है वो नहीं आया तो एक्चुअली गणपति का ब्लॉग मैंने शूट किया है थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है बट मेरा मन नहीं कर रहा है उसे अपलोड करने का पता नहीं थोड़ा सा ही ब्लॉग है आप लोगों को अगर देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों को अगर देखना है तो मैं आपके लिए वो डाल दूँगी एडिट करके एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे पीरियड्स थे उस टाइम इसी वजह से कोई भी दो तीन दिनों में ब्लॉग नहीं बना पाई तो इसीलिए गणपति के बिठाने का ब्लॉग आपके लिए इस बार नहीं आया है मुझे भी उसका बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था बट क्या करें अपने हाथ में तो नहीं है इसका तो बस इसीलिए मैंने आज ये ब्लॉग शूट कर लिया मैंने सोचा चलो वो ब्लॉग आपके लिए नहीं आया है तो गणपति का नहीं है तो कम से कम गौरी का तो आपके लिए ब्लॉग दे ही दू मैं इसीलिए मैं ये वाला शूट कर रही हूँ एक्चुअली हम लोग देख रहे थे कि आ, हम लोग ने ना पूरन बनाया था आप लोगों को तो पता ही है महाराष्ट्र में पुरन कितना ज़्यादा फेमस है सभी के यहाँ पे कोई भी फेस्टिवल हो तो पूरन बनता ही बनता है और ऐसे कोई गौरी या गणपति हो तो उनके भोग के लिए तो पुरन बनेगा ही इसीलिए हम लोग ना वही देख रहे थे एक्चुअली हम लोगों को डर था कि उसमें चिटियाँ ना चली जाए क्योंकि ऊपर एक दो चिटियाँ दिखी थी इसी वजह से मुझे लगा कि अंदर भी चली गई कि चिटियाँ क्योंकि ना आ, मीठा होता है तो मीठे में चिटियाँ हो ही जाती है और इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया था कि वो पानी के पतीले में रख दिया था वो वाला पतीला मतलब एक्चुअली वो बहुत ज्यादा बड़ा था इसी वजह से फ्रिज में नहीं आ रहा था तो इसीलिए हम लोगों ने पानी में रख दिया था वो और चिटिया थोड़ी सी ऊपर ऊपर ही दिखी अंदर वो चेक कर रहे थे हम लोग कि चिटिया है क्या बट नहीं गई थी तो यहाँ पर पूरन के ही मोदक बनते हैं गणपति के लिए तो इसीलिए मैं पूरन के मोदक बना रही हूँ आप लोगों को मैंने पिछली बार भी दिखाया था मेरे घर पे जब गणपति का खाना था मोदक कैसे बनाए जाते हैं पूरन के तो यहाँ पर वही बन रहे हैं मोदक बन रहे हैं पूरन के सारे मोदक ट्वेंटी मोदक बनते हैं पूरन के और यहाँ पर दीदी भी साथ साथ गौरी के भोग की तैयारी कर रही है मतलब हम लोगों ने दोनों ने मिलकर गौरी के भोग की तैयारी की पहले तो वो अभी गिन के रख रही है एक्चुअली गिन के होता है सारा कुछ मतलब बड़ी गौरी का छोटी गौरी का ये सारा कुछ गिन के होता है तो ऐसे गिन के रखते हैं हम लोग फिर जब भोग लगाते हैं तब मतलब हमें ज़्यादा परेशानी ना हो हम लोग ऐसे गिन, निकाल के रखते हैं पहले ही तब जब भोग लगाते हैं ना बहुत जल्दबाजी होती है उस टाइम जैसे आरती भी होती है भोग भी मतलब उनकी थाली भी सजानी होती है वो सारा कुछ होता है तो इसलिए हम लोग पहले ही गिन के रख देते हैं सारा कुछ उनका दोनों गौरी का और छोटा गणेशर भी होता है बीच में तो उनका भी और साथ साथ हम लोग गणेश जी को भी भोग लगाते हैं उसी टाइम पे तो उनके भी मोदक बनाते हैं ट्वेंटी वन मोदक बनाते हैं उनका भी सब खाना होता है तो वो सारा हम लोग गिन के रख देते हैं अलग अलग निकाल के रख देते हैं तो वही तैयारी चलती है हमारी सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा भाग होती है हमारी मतलब बहुओं की क्योंकि सुबह सुबह उठना पड़ता है इस टाइम और सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं मतलब आप लोगों को अब सोच भी नहीं सकते हो जिनके यहाँ पे गौरी है उनको तो पता होगा कि कितनी भागदौड़ होती है बट जो जिनके यहाँ पे गौरी है वही समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे तो बस यहाँ पर गौरी के भोग की तैयारी तो हो ही गई थी बस मैं यहाँ पे गणेश जी के मोदक बना रही थी तो गणेश जी के ट्वेंटी वन मोदक भी बन गए थे तो बस इसे फ्राई करना है मोदक को फ्राई करना है तो बस यहाँ पर मैं मोदक को फ्राई भी कर ले रही हूँ जल्दी जल्दी हम लोग सारा कुछ कर लेंगे मतलब भोग की तैयारी कर लेंगे और उसके बाद हम लोग लग जाएंगे जो लोग खाना खाने के लिए आएंगे उनकी खाने की तैयारी करने के लिए तो इसीलिए हम लोग सिर्फ भोग की ही अभी तैयारी कर रहे हैं आप लोग बाद में देख लेना कि प्लेट कैसी होती है मतलब उनकी थाली कैसे सजाई जाती है बहुत ज़्यादा खाना बनाना पड़ता है और बहुत अच्छा लगता है लेकिन इस टाइम ऐसे बनाना और साल में एक बार ही आते हैं तो साल में एक बार हम लोग खुशी खुशी से ये सब करते हैं और बहुत ही अच्छे से स्वागत करते हैं गौरी का मतलब महालक्ष्मी का और उसके बाद उनके भोग की तैयारी करते हैं बहुत अच्छे से ये दो तीन दिन, दिन ऐसे ही निकल जाता है तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइम में बहुत अच्छा माहौल होता है घर का तो ऐसे सभी के यहाँ पे जिनके यहाँ पे गौरी होती होगी ना तो उनको सभी को पता है कि क्या माहौल होता है घर का बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस टाइम में ये त्यौहार ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और इस टाइम गणेश जी का खाना हमारे घर पे नहीं होने वाला है क्योंकि कोरोना की वजह से यहाँ पर अम, एक्चुअली ये हम लोग गांव में है इसी वजह से गांव में तो भी थोड़ा सा हो रहा है बट नहीं तो हम लोगों ने सोचा था गांव में भी घर पे घर पे ही करने का बट यहाँ पर कुछ करोना वगैरह का कुछ टेंशन नहीं है इसीलिए हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं गौरी का खाना वगैरह नहीं तो सिटी में बिल्कुल कुछ भी नहीं है क्योंकि कोई जाता भी नहीं है सिटी में एक दूसरे घर खाना खाने के लिए और बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है ये एक दूसरे के घर खाना खाने के लिए जाना सिटी में तो इसीलिए हम लोग ना यहाँ पर हमारे घर पर खाना नहीं बनाने वाला है बार खाना नहीं रखने वाले हैं बट ये गांव में हम लोग थोड़ा सा ये कर रहे हैं, बट गांव में बहुत ज्यादा मजा आया यार क्या बताऊँ आपको मतलब तो ये दो चार दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला अभी मैं एक्चुअली सिटी वाले घर आई हूँ मेरे तो इसीलिए ये व्लॉग एडिट कर पा रही हूँ नहीं तो वहाँ पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला बहुत सारे काम हो जाते हैं तो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया था एक्चुअली इसी दिन का मैंने शूट किया सिर्फ क्योंकि बाकी के दिन का तो मैं बिल्कुल शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं घर में और फिर उसमें ना इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं रहता है बट मैंने सोचा कि चलो मैं आपके लिए अगर गणपति का ब्लॉग नहीं बना पाई तो मैं गौरी का ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी इसीलिए मैंने इस बार ये वाला ब्लॉग शूट कर लिया हाँ गणित जी के आगमन का जो व्लॉग है वो मैंने थोड़ा सा बनाया है अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगी बट ना अगर मैं कुछ दिनों के बाद अपलोड करती हूँ ना तो कोई देखता नहीं है मैंने जन्माष्टमी का ब्लॉग वैसे ही थोड़ी देर के बाद अपलोड किया था ना तो वो किसी ने देखा नहीं था इसीलिए मैंने सोचा कि अभी डालू या ना डालू बट अगर आपको देखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं आपके लिए ब्लॉग जरूर एडिट करके डाल दूंगी और जैसे ही गणपति बिठाया उसके दो तीन दिन बाद तो मैं ससुराल में ही आ गई थी तो उसके बाद फिर ससुराल में ही थी दो चार दिन तो इसके लिए फिर वहाँ पर फिर ये एक ही ब्लॉग बना पाई तो ये एक ब्लॉग आप देख लीजिए अभी आपको कैसे लग रहा है आप जरूर बताना कमेंट करके तो यहाँ पर गौरी का खाना सारा बन गया था अभी आरती की तैयारी ही करने वाले थे हम लोग इसीलिए भैया ना लक्ष्मी के गले में हार डाल रहे हैं तो बस यही हार डालना हो रहा है उसके बाद हम लोग थाली सजाएंगे क्योंकि अंदर जाना नहीं होता है फिर थाली आगे सजती है तो फिर अंदर जाना नहीं होता है गले में हार डालने के लिए तो इसीलिए पहले गले में हार डाल देते हैं उसके बाद फिर थाली सजाते हैं तो आगे आप देख लीजिए कि किस तरह से थाली सजती है आगे पूरी थाली सजती है मतलब केले के पत्ते पे तो इसीलिए फिर अंदर कोई भी नहीं जा सकता है उसके बाद में ये जो छत होता है उसके बाद मैं आपको सारा कुछ दिखा दूँगी तो यहाँ पर मैं थाली सजा रही हूँ यहाँ पर थाली सज रही है और इस तरह से केले के पत्तों पर हम लोग थाली सजाते हैं तो आप लोगों के यहाँ पे कैसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो मराठी है वो ऐसे ही करते हैं या थोड़ा सा अलग करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना क्योंकि टिक चेंज हो जाती है ना तो रीति रिवाज़ भी थोड़े से चेंज हो जाते हैं तो इसीलिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग भी ऐसे करते हो क्या यहाँ पर मेरी सासू माँ जो है वो तुलसी के पत्ते तोड़ रही थी क्योंकि जब हम लोग थाली सजा देंगे तो वो सारी चीज़ों पर हम लोग तुलसी के पत्ते डालते हैं तभी जाके वो भोग रहता है मतलब लगता है कि ये भोग है करके तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले तो रंगोली वगैरह साइड में निकालते हैं ये केले के पत्तों के साइड में रंगोली निकालते हैं आगे और उसके बाद यहाँ पर केले के पत्तों पे सारा भोग का जो हमने बना के रखा है जैसे कि गिन के रखा था वो सारा हम लोग यहाँ पर सजाएंगे तो यही चल रहा है एक्चुअली हम लोग तीनों देवरानी जेठानी मिलके ना पहले ही सोच लेते कि कौन क्या करेगा तो हम लोगों की भागदौड़ नहीं होती है पहले ही तो इसीलिए ना हम लोगों ने सोच के रखा होता है कि आ, थाली कौन सा जाएगा थाली कौन निकालेगा प्लेट्स कौन निकालेगा ये सारी चीज़ें तो इसीलिए हम हमारी ना टाइम पर भाग दौड़ बिल्कुल नहीं होती है तो मेरे ऊपर ना थाली सजाने का काम रहता है क्योंकि थाली मैं अच्छे से सजाती हूँ इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि तुम थाली सजाओ हम लोग निकाल के देंगे सिर्फ़ और वो लोग निकाल के सारी चीज़ें निकाल के देते हैं दोनों जुठानियाँ है मेरी और मैं थाली सजाती हूँ और बच्चे भी मेरी हेल्प करते हैं यहाँ पर रंगोली वगैरह निकालती हूँ पहले उसके बाद अच्छे से थाली सजाती हूँ और आप देख लेना आगे कि थाली कैसे सजेगी बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और जिन जिन इन्होंने नहीं देखा है कि गौरी कैसे होती है महालक्ष्मी कैसे होती है और कैसे किया जाता है तो आपको मेरी ब्लॉग से पता चल जाएगा कि कैसे कैसे होता है हमारे घर पे महालक्ष्मी का ऐसे ही आपको मेरे ब्लॉग के थ्रू पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र में कैसे होता है सारा कुछ और जो महाराष्ट्रियन है उन्हें तो पता ही होगा बट महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग साइड में सारा कुछ अलग अलग होता है तो वो भी देख लीजिए कि कैसे होता है और कमेंट करके ज़रूर बताना आपके साइड में भी ऐसे ही होता है या अलग होता है और हाँ मैंने अपना फुल लुक तो आपको दिखाया ही नहीं बट आप ऐसे ही देख लीजिए एक डिज़ाइनर ब्लाउज़ था ग्रे कलर का वो मैंने पहना था ये साड़ी पहने थी और बैंगल्स वगैरह पहने थे तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लग रही हूँ एक्चुअली मैं ससुराल में होती हूँ ना तो सारे कामों में और सारे लोगों से बातें करने में ना मैं ब्लॉगिंग भूल ही जाती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ ये तो मैंने अपने भतीजे को बोल दिया था कि आप शूट कर लेना जो जो आपको दिखेगा वो वो तो इसीलिए उसने शूट कर लिया था मुझे तो इतना ज़्यादा पता भी नहीं था वो शूट क्या कर रहा है ना क्या नहीं कर रहा है तो उसके हाथ में मैंने दे दिया था कि आप शूट कर लेना जो भी आपको दिखेगा कि आपको शूट करना चाहिए वो उसने शूट कर लिया था तो इतना तो भी आपको देखने के लिए मिल रहा है नहीं तो मैं ना बिल्कुल भूल जाती कि मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ एक्चुअली क्या होता है कि जो बाहर के लोग होते हैं मतलब जैसे मैं बीच में घर जाती हूँ आठ दिन के बाद या दस दिन के बाद पंद्रह दिन के बाद तो उस टाइम मैं घर वालों से ही मिलती हूँ सिर्फ और जो बाकी के लोग होते हैं गाँव के तो वो साल भर में एक बार ही हमारे घर आते हैं तो उनसे मिलना जुलना होता है बातें करना होता है इसीलिए मेरा ध्यान बिल्कुल ब्लॉगिंग में नहीं रहता है तो आप समझ सकते हो वो सारी चीज़ें और यहाँ पर सारी थाली सज गई थी और आप देख सकते हो कि इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है थाली सजने के बाद ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वैसे भी ये जो दस दिन होते हैं गणपति के वो बहुत ज्यादा चहल पहल वाले होते हैं उसमें ही महालक्ष्मी भी बिठाई जाती है गणपति भी दस दिन के होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चहल पहल होती है और हाँ ये जो डेकोरेशन है आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये जो डेकोरेशन है वो घर पे ही करते हैं भैया मतलब दोनों मेरे जेठ मिलके करते हैं तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके बहुत मेहनत लगती है इसमें मतलब एक एक जो पट्टी है वो सारी पट्टियाँ लगानी पड़ती है बहुत ज़्यादा उसमें भी मेहनत लगती है यहाँ पर हमारी भोग की थाली भी सज गई थी और सभी आरती के लिए भी आ गए थे अड़ोस पड़ोस के लोग तो अभी हम लोग सब मिल के आरती करेंगे जय जय देव मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति मात्र एक्चुअली आरती होने के बाद हम लोग तुरंत बाहर निकल जाते हैं सारे दरवाजे बंद करते हैं और भगवान को खाना खाने के लिए टाइम देते हैं तो यहाँ पर भगवान का खाना होने के बाद हम हम लोग दो लेडीज को यहाँ पर सबसे पहले खाना खाने के लिए बिठाते हैं उनको महालक्ष्मी बोल के और उनका खाना होने के बाद फिर उसके बाद फिर जो गाँव वाले खाना खाने के लिए आते हैं तो उनको बिठाते हैं खाना खाने के लिए बस यही होता है हमारे घर पर आज के दिन और सभी का खाना हो जाने के बाद हम लोग घर वाले खाना खाने बैठते हैं और सभी मिल फिर हम लोग घर वाले खाना खाते हैं तो यही होता है और सबसे लास्ट में आप ये क्यूट सी डॉल से मिल लीजिए तो ये है मेरी सबसे छोटी भतीजी जो मेरे सबसे छोटे देवर की बेटी है इसका नाम श्रीवेदा है और आप इसके लिए मस्ती देख लीजिए बहुत चुलबुली है बहुत मस्ती करती है आगे आप इसकी मस्ती देख लीजिए और ये है दूसरे दिन का तो मैंने शूट कर लिया था और उस दिन तो मैं बाकी कुछ भी शूट नहीं कर पाई और ब्लॉग को एंड भी नहीं कर पाई तो इसकी मस्ती के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना इसके साथ मेरे दो और चैनल है तो आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन बाय टेक केयर एंड लव यू ऑल जाते जाते अगर सच में वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना आप अगर एक लाइक करते हो तो आपके एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ